सत श्री अकाल जी, मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज हम हमारा 200 गज का घर लेके आए हैं। ये जो घर है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी हमें एक अच्छे डिज़ाइन के साथ मिल रहा है और इंटीरियर्स में भी अगर आप देखेंगे तो घर के अंदर भी जो काम हुआ है काफ़ी लाजवाब हो रखा है। फ्रेंड्स, जो एयरपोर्ट रोड है वो हमारे घर से लेस देन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। दोस्तों, मतलब अगर कल को हमें न्यू चंडीगढ़ भी जाना है तो 10 मिनट की ड्राइव रहने वाली है। सारी अमेनिटीज़ पास में है, आपके जो मॉल्स हैं वो पास में हैं, एंड जो हमें डेली रूटीन में फैसिलिटीज़ चाहिए, डेली नीड शॉप्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुरुद्वारा साहिब, पार्क्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, बच्चों के स्कूल्स, वो भी हमें सब कुछ पास में मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले एलिवेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम एलिवेशन देखेंगे, एलिवेशन में हमने बीज एंड चॉकलेट ब्राउन का शेड यूज़ किया हुआ है। एलिवेशन में हमने नेचुरल स्टोन के साथ टाइल्स का वर्क भी किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ये रैंप एरिया आ जाएगा, यहाँ पे वाइट एंड ब्राउन का शेड है। वाइट वाला जो आप देख रहे हो वो स्टोन मटेरियल है, बाकी हमारा टाइल वर्क हमने यूज़ किया हुआ है कॉम्बिनेशन के साथ। और ये जो हमारा जो आयरन डोर है दोस्तों, ये आयरन गेट है, यहाँ पे HLP शीट्स का हम यूज़ कर रहे हैं मिरर वर्क के साथ। और ये भी जो है आपका बीच शेड रहने वाला है बिल्कुल एलिवेशन के साथ मैचिंग में। आइए प्लीज। तो दोस्तों, अब हम आगे हमारे पोच एरिया में। पोच एरिया में हमने ग्रेनाइट का काम किया हुआ है, एंड आपकी बड़े से बड़ी एक बढ़िया SUV गाड़ी भी इजीली आप पार्क कर सकते हो। साथ ही में इस तरफ हमारे 2-व्हीलर की पार्किंग आ जाएगी, एंड इस तरफ जो है आप अपना ग्रीन एरिया डेवलप कर सकता हो। माफी चाहूंगा, अभी हमने अपने एंड से तो यहाँ पे डेवलप नहीं किया हुआ, क्योंकि हर एक की ग्रीनरी को डेवलप करने की चॉइस थोड़ी अलग है। और आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे लैंप्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, ये हमारे गेट की जो ग्रेस है उसमें 4 चांद लगा देते हैं। आइए अब घर को अंदर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री पे ही हम देखेंगे हमारा बड़ा सा यहाँ पे दरवाजा आ जाता है, जिस पे हमने एक्रेलिक शीट को यूज किया है टिक वुड लूअर्स के साथ। हमारे एंट्रेंस फॉयर को हमने काफी खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। प्राइवेसी तो ये फॉयर एरिया आपका मेंटेन करेगा ही, मतलब यहां से आपको किसी बेडरूम का व्यू नहीं मिलेगा। और ऊपर आप देखेंगे जो सीलिंग पे डिजाइन है वो भी हमने काफी अच्छा रखा हुआ है, एंड यहाँ पे हमने कॉपर ग्लास का यूज किया हुआ है। आप पूरे घर में आगे देखेंगे ये कॉपर ग्लास का यूज हमने जगह जगह किया हुआ है। और घर की हमारी जो फॉल सीलिंग है वो काफी स्पेशल रहने वाली है, बिकॉज हम मल्टी लेयर फॉल सीलिंग को यूज कर रहे हैं। एक क्लासिक डिजाइन या कॉन्टेम्प्रेरी डिजाइन जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह से हमारी फॉल सीलिंग रहने वाली है। आइए हम पहले अपने इस तरफ ड्राइंग एरिया से स्टार्ट करते हैं। हम एंटर कर रहे हैं हमारे ड्राइंग एरिया में। तो ये 12x14 का हमारा ये ड्राइंग एरिया का साइज रहने वाला है। दोस्तों, ये रही वो ऊपर आप देखेंगे मल्टी लेयर हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग की हुई है। 20 इंच तक इसकी डेप्थ चली जाती है। मोल्डिंग के काम के साथ ये फॉल सीलिंग हम करके दे रहे हैं। बेसिकली घरों में ये स्टाइल कम यूज किया जाता है, पैलेसेस वगैरह में ज्यादा यूज होता है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है प्रॉपर हमारी ड्राइंग एरिया में सीटिंग लग जाएगी हमारे गेस्ट के साथ, एंड ओपननेस और वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रखी गई है। बड़ी सी हमें विंडो मिल जाती है L-shaped डिजाइन के साथ। हमारी जो सामने वाली वॉल है यहाँ पे हमने टाइल्स का काम कर रखा है, और ये जो इस तरह से हमने कॉलम्स बना रखे हैं इस पे भी हमने काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग की हुई है। लाइट्स का यूज़ यहाँ पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, शैंडलियर जो है वो काफ़ी लुक एनहेंस कर जाता है हमारे ड्राइंग एरिया की। तो ड्राइंग एरिया हमारा कवर हो गया। इसके बाद इस तरफ हमारा एक हिडन डोर है, ये देखिए ये हिडन डोर आ गया हमारा, तो इसे आप स्टोर बना सकते हैं। बेसिकली हमने कुछ वेट पॉइंट्स भी यहाँ पे रखे हैं, आप इसे अपने हिसाब से यूज़ में ले सकते हैं, पाउडर रूम भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसी आपकी यूटिलिटी आपको रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, अभी हम चलेंगे हमारा डाइनिंग एरिया देखने, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी नज़र लेके आएं तो यहाँ पर स्टोरेज काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। कि अगर हम बाहर से आते हैं कोई सामान रखना, फटाफट आके यहाँ पर रख सकते हैं हम। एंड साथ में हमारे 2 लैंप्स आ गए, सो दैट लुक्स और बढ़ जाए। और जो स्विचेस हम पूरे घर में यूज़ कर रहे हैं, हम गोल्ड मेडल के स्विचेस यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरफ हमारा डाइनिंग एरिया प्लेस हो सकता है, और यहाँ पे आप देखेंगे हमने वॉश बेसिन का एरिया बना दिया है। यहाँ भी हमें स्टोरेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बेसिकली ओपन स्टोरेज भी है और हमारी क्लोज स्टोरेज भी है, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ पे हमें स्टोरेज भरपूर मिल जाती है। दोस्तों, इस सेक्शन के बाद अब हम हमारी किचन देख लेते हैं। दोस्तों,
फॉल सीलिंग पे एक बार फिर अगर हम नजर लेके जाएं तो क्लासिक डिजाइन की हम फॉल सीलिंग दी है हमने यहाँ पे। वाइड एंट्री हमारी किचन की रहने वाली है दोस्तों, मॉड्यूलर किचन है, स्पेस की कोई कमी नहीं दे रहे हम यहाँ पे। आप देखेंगे स्टोरेज सारी है, ये हमारी क्लोज स्टोरेज होगी, ड्रॉर्स हैं और कॉपर ग्लास हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओपन स्टोरेज भी हमें मिल जाती है दोस्तों, स्पेस हर तरफ हमें स्पेस ही स्पेस मिल रही है। यहाँ पे इनफैक्ट आप देखेंगे हम एस कॉर्नर्स भी लगा के दे रहे हैं ताकि किचन के जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे तरीके से हमारे यूटिलाइज हो पाए। डबल बाउ सिंक आ जाएगा और एक बड़ी सी विंडो ठीक हमारी किचन में, सो दैट सनलाइट वेंटिलेशन अच्छी खासी आते रहे। यहाँ खाना भी पकना है और सनलाइट वेंटिलेशन अगर अच्छी मिले तो खाना भी और हेल्दी बनता है हमारा। इनफैक्ट जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो हमने यहां पे लाइट ग्रे और पेल ग्रीन को कलर को यूज किया हुआ है। इस तरफ हमारा फ्रिज रखने का स्पेस आ जाएगा दोस्तों। किचन के बाद अब हम हमारे जो बेडरूम्स हैं वो कवर करते हैं। बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे हमने दो बेडरूम्स रखे हैं एंड जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे तीन बेडरूम्स हैं। हमारी ये 5 बेडरूम कोठी रहने वाली है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने प्रोविजन दिया हुआ है हमारे सर्वेंट रूम का, अभी वो इनफैक्ट अभी बन रहा है और अभी 10% काम अप लगा के चलिए कोठी में, अभी थोड़ा सा हमारा पेंडिंग है जो कि क्विकली कंप्लीट हो जाएगा। हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर के हम दोनों बेडरूम्स कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट बेडरूम आइए प्लीज। हमारा जो फर्स्ट बेडरूम का जो साइज रहने वाला है वो रहने वाला है 11.5x15 का एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो वॉलपेपर भी जो लगाया है इसका लुक्स भी हमने काफी सिंपल रखे हैं, लाइट ग्रे कलर का एकदम यहाँ पे हम वॉलपेपर का शेड यूज कर रहे हैं। बाकी दोस्तों थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन हो जाती है, जैसा कलर आपको पसंद है, आपकी कोई कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है आप हमें बता सकते हैं। एंड इस तरफ हमारे वार्डरोब्स आ जाएंगे, वार्डरोब्स में भी नीचे से लेके ऊपर तक प्रॉपर स्पेस रहने वाला है। देखिए इस तरफ भी आपकी दो पल्ले वाले वार्डरोब्स आ गए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ड्रॉर्स आ जाते हैं बिल्कुल नीचे तक और इस तरफ भी दो पल्ले के हमारे वार्डरोब्स आ गए, तो दो लोगों के लिए स्टोरेज की हमारे इस रूम में कोई कमी नहीं होने वाली। इनफैक्ट पूरे घर में हमने स्टोरेज का खास ध्यान रखा हुआ है दोस्तों। हमारी जो टाइल्स रहने वाली हैं पूरे घर में, हमारी जो टाइल्स रहने वाली हैं वो डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स रहने वाली है ग्लोसी लुक के साथ। एंड यहाँ पे आ गया हमारा एलईडी पैनल का सेक्शन, यहाँ पे भी ड्रॉर्स हमने दे रखे हैं दोस्तों एंड ओपन स्टोरेज भी हमारी हमें यहाँ पे मिल जाती है। साथ में आप देखेंगे यहाँ भी हमें स्टोरेज मिल रही है, वॉक इन क्लोजेट हमें मिल रहा है दोस्तों। ये बेसिकली हमारा ड्रेसिंग सेक्शन है, आइए प्लीज। ड्रेसिंग सेशन में आप देखेंगे ये हमारा एक प्यारा सा हाफ मून शेप का, क्रिसेंट शेप का हमारा मिरर आ जाता है। साथ में हमारा अटैच्ड वॉशरूम है, सभी वॉशरूम्स के हमने थोड़े थोड़े जो लुक्स हैं वो चेंज किए हैं। ब्रांडेड फिटिंग के साथ हमें वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों और एक अच्छे साइज का, जैसा कि कोठी में वॉशरूम होना चाहिए वैसे एक अच्छे साइज का वॉशरूम है दोस्तों। अच्छा इस रूम के बाद अब हम पीछे वाला जो हमारा वेड़ा है वो देख लेते हैं। ए अलिया जी अपना वेड़ा, हमारा जो ये वेड़ा रहने वाला है इसकी जो चौड़ाई है वो 8 फुट की चौड़ाई रहने वाली है, काफ़ी विड्थ अच्छी है हमारे वेड़े की। वेट पॉइंट्स हमें प्रॉपर मिल जाते हैं, वॉशिंग एरिया जो है वो प्रॉपर मिल जाता है और पीछे आप देखेंगे पीछे भी आपको डबल बाउल सिंक के साथ ये वेड़ा हम बना के दे रहे हैं। आइए दोस्तों अब वापस चलते हैं हमारे घर के अंदर और देखते हैं हमारा बेडरूम नंबर 2। आइए जी, इनफैक्ट ये जो आप डोर्स देख रहे हैं मैश डोर के साथ जो हम दे रहे हैं, इसके बाद ये जो आप मेन यहाँ पे डोर देख रहे हैं इस रूम का, यहाँ पे भी हमने एक्रेलिक का काम किया हुआ है और वही हमारे जो टीक वुड के लूअर्स है लगे हुए हैं। बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 2 जो है हमारा ये 12x15 का साइज है दोस्तों। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, जो वार्डरोब का जो शेड है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। पहले वार्डरोब चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टाइल तो डिफरेंट होना ही चाहिए, तो यहाँ पे हमने स्लाइडिंग वार्डरोब दिए हैं दोस्तों। स्टोरेज आपको प्रॉपर मिल जाती है ऊपर से नीचे तक, स्टोरेज अच्छी खासी हम दे रहे हैं यहाँ पे बना के। वॉलपेपर का डिज़ाइन हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। फॉल सीलिंग का अगर आप डिज़ाइन देखोगे, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी इस रूम में चेंज्ड है। इस तरफ हमारा एलईडी पैनल आ जाता है दोस्तों। लुक्स इसके भी थोड़े थोड़े चेंज है, यहाँ पे कॉपर ग्लास का काम आ गया और यहाँ पे जो कलर है पिछले रूम के मुकाबले थोड़ा डार्क टोन में आ गया। इस तरफ हमारी विंडो आ जाएगी,
ताकि सनलाइट प्रॉपर हमारे घर में आते रहे, और ड्रेसिंग एरिया आप देख सकते हैं हमने कम जगह का यूज करके यहां पे क्रिएट किया है। साथ में हमारा अटैच वॉशरूम, वॉशरूम हमारा जो है वो एक अच्छे साइज का रहने वाला है, ब्रांडेड फिटिंग के साथ रहने वाला है। तो दोस्तों हमने हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो तकरीबन कवर कर ही लिया है। आइए चलते हैं हम अपने स्टेयर्स की तरफ। दोस्तों जो हमारी स्टेयर्स रहने वाली हैं वो स्टेयर्स हमारी अंदर से ही रहने वाली हैं इस घर की, एंड यहाँ पे ग्रेनाइट का काम हमने स्टेयर्स पे किया हुआ है। एसएस की रेलिंग आ जाएगी ग्लास वर्क के साथ, और ये जो आप देखेंगे ना यहाँ पे जो हमने पिलर स्टाइल में से क्रिएट किया बोर्ड के साथ और ग्लास के वर्क के साथ, ये एक्स्ट्रा लुक ऐड कर देता है। लैंप वर्क भी यहाँ पे प्रॉपर है। आइए प्लीज अब हम चल रहे हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, या लाइट्स का काम हमने काफी खूबसूरती के साथ किया हुआ है, सो दैट एक जो वाइब है एंट्रेंस की वाइब है कि फर्स्ट फ्लोर में आने की जो वाइब है वो काफी कमाल की हो। और ये जो आप हमारा फर्स्ट फ्लोर पे लोबी एरिया देख रहे हैं 11.5x23 का साइज आ जाता है ये वाला। तो आपके बिल्कुल इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना पहला रूम कवर कर लेते हैं। इनफैक्ट ये मास्टर बेडरूम है, एंड ये देखिए स्लाइडिंग डोर हम यहाँ पे लगा के दे रहे हैं आपको। प्लीज रूम का साइज रहने वाला है 12x14 का, एक अच्छे साइज का हमारा यहाँ रूम रहने वाला है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे लाइट शेड का वॉलपेपर है, और इस तरफ आप देखेंगे हमने यहाँ पे स्पेस बनाया है, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हो। ओपन शेल्फ्स है बेसिकली ये, और इस तरफ हमारा यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया है। थोड़ी बहुत दोस्तों स्टोरेज यहाँ भी, क्योंकि ड्रेसिंग के साथ स्टोरेज तो चाहिए। यहाँ पे आप विंडो देख सकते हो, बड़ी सी विंडो है जो कि इस रूम को कॉम्प्लीमेंट करती है ताकि सनलाइट ज्यादा से ज्यादा हमारे रूम के अंदर एंटर हो पाए। सामने की तरफ हमारा LED पैनल एरिया आएगा, तो बिल्कुल ये चॉकलेट शेड और व्हाइट शेड के कॉम्बिनेशन के साथ रहेगा। एंड इसके साथ आप देखेंगे हमारा वॉकिंग क्लोजेट है। तो मास्टर बेडरूम है तो उस हिसाब से स्टोरेज हमारी, दो पल्ले के वार्डरोब यहाँ पे आ गए, और दो पल्ले के वार्डरोब हमारे इस तरफ आ गए। स्पेस नीचे भी है और बिल्कुल ऊपर तक स्पेस हमें मिल रही है। कुछ यहाँ पे भी ओपन स्पेसेस हैं, और हमारे यहाँ पे मल्टीपल ड्रॉर्स आ जाएंगे। इस तरफ हमारा वॉशरूम आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। चलिए आगे हम फर्दर रूम्स कवर करते हैं। यहाँ पे भी हमने कॉपर ग्लास को यूज में लिया हुआ है, और लाइट्स का काम आप देखेंगे, लाइट्स का काम जो होता है ना दोस्तों वो घर के लुक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आप फॉल सीलिंग देखिए, फॉल सीलिंग में हमने काफी एक सिंपल और प्रैक्टिकल सा डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड इस तरफ आप बड़े से बड़ा जो है आपका LED है वो प्लेस कर सकते हो। ये हमारा टाइल वर्क आ गया। साथ में बिल्कुल सामने हमारा जो है मंदिर का स्पेस आ जाएगा, पूजा कॉर्नर आ जाएगा। तो पूजा रूम के साथ अब हम देख लेते हैं हमारी फ्रंट बालकनी। बालकनी में भी हमने प्रॉपर लाइट्स का यहां पे यूज किया हुआ है। फॉल सीलिंग का जो काम है डाउन सीलिंग का प्रॉपर हमने यहां पर करके दे रहे हैं हम। और इस तरफ आप देखेंगे ये जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था ना टाइल वर्क, वो ये टाइल वर्क आ गया जो बिल्कुल बीच कलर के शेड में हमें मिल रहा है। फोकस लाइट्स यहाँ पे हमें मिल रही हैं। एक आपको यहाँ पे अच्छी साइज की यहाँ पे बालकनी मिल रही है, आप फैमिली के साथ यहाँ पे सिटिंग कर सकते हो, आप जो है सुबह की धूप और शाम जो है एंजॉय कर सकते हो। बालकनी का एरिया भी हमें काफी अच्छा मिल जाएगा। एक रूम हमने कवर कर लिया हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, अब हमारे दो रूम्स जो हैं वो रह गए हैं। दिस इज बेडरूम नंबर सेकंड, साइज इसका 12x15 का है। आप इसका एक क्विक लुक देख सकते हैं किस तरह से हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। आपके वार्डरोब्स ये देखिए, ये डिजाइन थोड़ा अलग आ गया इस रूम में। ये हमारा वॉशरूम है साथ में कनेक्टेड, अभी इसमें थोड़ा काम चल रहा है तो अभी हम ये वीडियो में नहीं दिखा रहे। ये पीछे हमारी आ गई बालकनी। आइए ये
इस तरफ देखेंगे हमारा वॉशिंग एरिया भी बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर का, और यहाँ से जो है इस तरफ से हमारी जो स्टेयर्स है फर्दर ऊपर हमारे छत की तरफ जा रही है, वहाँ भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि जो हमारा सर्वेंट रूम है वो ऊपर हम आपको बना के देंगे। आप चाहे सर्वेंट रूम कह लिए, बेसिकली स्टाफ रूम कह सकते हैं आप उसको। आइए प्लीज़, अभी हमारा जो लास्ट रूम रह गया वो कवर कर लेते हैं। आइए, बेडरूम नंबर थर्ड की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ दोस्तों। इसका जो साइज है 11.5x15 का रहने वाला है दोस्तों। इसका भी आप एक बार क्विक लुक देख सकते हैं कि किस तरह से इस बेडरूम को बनाया गया है। वार्डरोब्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ छोटा सा चेंज कर दिया हमने वार्डरोब के डिजाइन में, ये वाला सेक्शन थोड़ा डिफरेंट कर दिया, बाकी वैसे ही जैसा हमने नीचे देखा था काफी हद तक। ये हमारा LED पैनल सेक्शन आ गया और यहाँ पे हमारा अटैच वॉशरूम आ गया। तो ब्रांडेड फिटिंग के साथ हमारा ये वॉशरूम भी रहने वाला है दोस्तों। ये थी हमारी एक प्यारी सी कोशिश आपको एक प्यारा सा 8 मरले का घर दिखाने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड मैं आपका दोस्त जगप्रीत मिलता रहूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।